गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आइए आज हम यहाँ पर बात करेंगे आपके गुणित अनुपात के नियम के बारे में, क्योंकि रासायनिक संयोग का नियम हम अध्ययन कर रहे थे और उसके अंतर्गत आप लोग को चार नियम जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम तथा गे लोसाक का गैस आयतन संबंधी नियम आपको बताया जा चुका है और एक नियम हमारा रह गया था वो है गुणित अनुपात का नियम। तो चलिए उसे हम अभी उदाहरण सहित देख लेते हैं। अनुपात का नियम बहुत ही सरल नियम है। देखिए गुणित अनुपात का जो नियम है काफी सरल है, एग्जांपल भी बहुत सरल है, बस आपको ध्यान देने की बस आवश्यकता है। यह नियम जो है सन 1803 में जॉन डाल्टन द्वारा दिया गया था। आप लोगों ने कक्षा 9वीं में डाल्टन का परमाणुवाद पढ़ा होगा, ठीक है, उन्हीं के माध्यम से जो है गुणित अनुपात का नियम जो कि रासायनिक संयोग का तीसरा नियम है वो 1803 में जो है जॉन डाल्टन द्वारा दिया गया था। अब देखिए गुणित अनुपात का नियम हम जानने के पहले एक उदाहरण देखते हैं, है ना, उदाहरण देखते हैं। जैसे नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ, है ना, पांच ऑक्साइड बनाता है। जैसे जनरली आप लोगों ने नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड जो है सुना होगा, है ना, तो इसी प्रकार ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन का यौगिक होता है जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, पांच प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, ना। तो नाइट्रोजन के पांच ऑक्साइड होते हैं, देखिए कौन कौन सा, नाइट्रोजन के पांच ऑक्साइड होते हैं। पहला NO जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे यदि हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य अनुपात निकाले तो ये हो जाएगा 7 × 2 = 14 और 8 × 2 = 16। समझ में आया सबको? तो इस प्रकार से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य क्या हो गया, सॉरी 7 × 2 = 14 और 8 × 2 = 16 का अनुपात पाया गया, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम N2O को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड में यदि हम देखें तो 14 × 2 = 28 हो जाएगा और ये 8 × 2 = 16 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। इसी प्रकार हम यदि N3O की बात करें, है ना, N3O जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे सॉरी NO N2O हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे जो आता है वो क्या आ जाएगा आपका, N3O2 आ जाएगा, ठीक है, N2O3 जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन का ट्राइऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यदि देखोगे आप लोग ऑक्सीजन का जो अनुपात है ना, तो ऑक्सीजन ये जो आपका रहेगा वो क्या हो जाएगा, NO2 हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो फॉर्मूला है वो N2O होगा। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 14 × 2 = 28 और ये 16 होगा और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका NO2, है ना, तो ये आपका हो जाएगा 14 और 16 × 2 कितना हो गया, 32 हो गया, ठीक है, ध्यान देंगे। और ये N2O3 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 14 × 2 = 28 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16 × 3 = 48। चाहेंगे तो आप लोग इसमें 2 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़े तो क्या आ जाएगा, N2O4 आ जाएगा, ठीक है, N2O4 आएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ठीक है। और इसमें आप देखोगे तो ये हो जाएगा वही 14 × 2 = 28 और ये हो जाएगा, है ना, 16 × 16 = 16 × 32 = 16 × 48 और 16 × 4 क्या हो गया, 64 हो गया। इसी प्रकार आप ले सकते हो N2O5, है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, क्लियर है। तो यहाँ भी हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 16 × 5 = 80, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो सभी में, है ना, तो यदि आप इसको भी इक्वल करना चाहते हो तो यहाँ पे आप 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना, तो ये हो जाएगा 14 × 2 = 28, है ना, और ये क्या हो जाएगा, है ना, कितना हो गया, 16 × 2 = 32 और 32 × 64, तो ऐसा भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान है वो स्थिर है ना, लेकिन मतलब स्थिर या निश्चित है, लेकिन जो ऑक्सीजन का द्रव्यमान है वो क्या हो रहा है, एक पूरक की तरह
बढ़ते जा रहे हैं, है ना। मतलब यहाँ पे 16 आएगा, 16 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 4 64, 16 5 86, एक गुणा की तरह बढ़ रहा है। तो यदि हम इनमें क्या करें, एक सरल अनुपात निकालें, ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य एक सरल अनुपात निकालें, तो कौन सा अनुपात मिलेगा, 1:2, है ना। समझ में आया, देखिए 1:1 आएगा, 1:2, ठीक है, 2 आ जाएगा क्योंकि 16 दूनी 32 होता है, 1:3 आ जाएगा, 1:4 आ जाएगा, 1:5। देखिए तो इस प्रकार से ये अनुपात है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मध्य। तो यही जो है गुणित अनुपात का नियम है ना। तो गुणित अनुपात का नियम क्या कहलाता है, देखिए जब दो या दो से अधिक, यहाँ पे दो तत्व है ना, या दो से अधिक भी हो सकता है, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में रासायनिक संयोग द्वारा दो या दो से अधिक, देखो यहाँ दो या क्या हुआ, दो से अधिक मतलब पांच प्रकार के यौगिक बने ना, तो दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान, ठीक है, एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न, इसका द्रव्यमान निश्चित है, इसका द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान के साथ संयोग करते हैं, है ना, और एक सरल अनुपात बनाते हैं, ठीक है, समझ में आया सबको। तो एक बार और बोल देती हूँ, जब दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक संयोग द्वारा दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं तो एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्य, ठीक है, सॉरी, एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान के साथ संयोग करते हैं, ठीक है, और एक सदैव सरल अनुपात बनाते हैं। क्लियर हो गया, तो ये कहलाता है गुणित अनुपात का नियम। क्लियर, तो पढ़िए अच्छे से, आगे फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं।